नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में 34 का स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालें यह सीखेंगे। दोस्तों ये आपका दो अंकों की संख्या है, तो इसके लिए हमने अपना 5 गुणा 5 लिया, कितना आ रहा है 25। जिसको लेंगे एक बार यहाँ लिख देंगे, यह नहीं करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एक ऐसी संख्या को लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या है वो आपका 34 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 5 से हम एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, किसको 6 को लिया, कितना आ गया 36। ये आपका देखिए 34 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन 6 से जैसे एक छोटी संख्या लिया 5 को, तो छोटा आ रहा है, यानी 5 को ले लिया, ठीक है, ऐसे समझो। उसके बाद इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, कितना आ गया आपका 9। उसके बाद क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00 संख्या को दो दो जीरो के एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, अगले 00 यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। देखिए हमने दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि इसमें दो जीरो एक साथ काम में लेने हैं, ऐसे समझो। उसके बाद इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका 900 से बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए 9 लिया, 9 का गुणा किया, 900 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 8 लिया, 8 का गुणा किया, 900 से बड़ा नहीं है, इसको 8 को लिया। फिर इसको तो ऐड करना है, इसको घटाना है, वही आपका प्लस माइनस का स्टेप रिपीट होगा। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 36। इसके साथ हम अगले 00 ले आते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि आपका 36 से बड़ा नहीं आना चाहिए। देखिए 3 लिया, 3 का गुणा किया, 9 36 18, 1 रे चला गया, 3 1 4 और 3, 36 से बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको लिया हमने अपना 3 को, फिर वही आपका प्लस करना है और माइनस करना है। ये जो आपका वैल्यू निकला है कितना 5.83, ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए हैं, और ऐसे खूब सारे आप एग्जाम्पल करिए, आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है एक एग्जाम्पल से आप इसको नहीं समझ पाएँ, कुछ डाउट रह गया, लेकिन खूब सारे करिए, समझ आएगा। केवल 2-3 स्टेप ही वही बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा। धन्यवाद।